अब हम सब्जी को सर्व कर लेंगे। बहुत ही चटपटी सब्जी बनके तैयार हुई है। आप इसको रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हो, और वैसे बाजरे की रोटी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने इसमें मूंगफली यूज की है, इसलिए इसमें बहुत ही तेल छूटा हुआ है, तो बहुत अच्छी तरी आई है, आप देख सकते हो। नमस्कार, मैं कविता, आप सभी का कविता जानो रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही चटपटी ऐसे तोरे की सब्जी बनाएंगे। बहुत से लोगों को ये सब्जी पसंद नहीं आती, पर आप इस तरीके से बनाओगे तो सभी लोग बहुत शौक से खाएंगे। चलिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। मैंने लिए है 2 तोरे, नमक, थोड़ा सा गुड़, इमली, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लहसुन, 6-7 लहसुन की कलियां ली हुई है, और ये है मूंगफली के दाने। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली को थोड़ा सा सेक लेंगे। इस तरह से मूंगफली के दाने सेक लिए हैं। अब हम गैस फ्लेम ऑफ करके इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मूंगफली के दाने ठंडे हो रहे हैं, हम तोरे के छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से पूरी तरह से हम अच्छे से छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से तोरे के मैंने अच्छे से छिलके निकाल लिए हैं और ऐसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इस तरह से बीच में से कट लगा देंगे। बीच में इस तरह से कट लगाने से मसाला अंदर तक बहुत ही अच्छा सोक हो जाता है। तुरई रेडी हो गई है, अब हम मसाला रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम मूंगफली को पीस लेंगे। आप इसको छिलके निकाल के भी यूज कर सकते हो। इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर हो गई है मूंगफली की। अब हम डालेंगे गुड़। गुड़ मैंने 1/2 चम्मच लिया है, थोड़ी सी इमली, लहसुन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, टेस्ट अनुसार नमक। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से सारी चीजों को बिल्कुल बारीक पाउडर कर ली है। अब हम बनाएंगे सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग। सबसे पहले हम तोरे को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप हींग डाल के तेल में अगर तोरे को फ्राई कर लोगे तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आती है सब्जी की। 1 मिनट तक फ्राई करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब डाल देंगे मसाला जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। अब हम गैस फ्लेम लो कर देंगे और 1 मिनट तक मसाले के साथ तोरे को अच्छे से सेक लेंगे। मसाले के साथ तोरे को अच्छे से सेकने के बाद डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। इमली और गुड़ के कारण इस सब्जी की टेस्ट बहुत ही चटपटी आती है। अब हम लो फ्लेम करके इसको ढक के रख देंगे। लो फ्लेम पे 6 मिनट में हमारी सब्जी पक गई है, तो कलर भी बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हो। अब हम सब्जी को सर्व कर लेंगे। हमारी सब्जी रेडी हो गई है। ऊपर से डाल देंगे धनिया। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।